एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक नहटोर में स्थित मिलक मुकिमपुर गांव पहुंची। इस समय खुर्शीदा खातून को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 3500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं, वहीं गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 72 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 55 हैंडपंप लगवाए गए हैं, वहीं 15 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 160 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर व रात घर, स्वास्थ्य केंद्र व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मिलक मुकिमपुर का मेरे गांव की आबादी तकरीबन 6000 है और इसके अलावा यहां काम काज बहुत सुस्त है। यहां तक कि अभी कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और फिर इसके अलावा टाकी नहीं है और इसके अलावा बैंक भी नहीं है। इतने बड़े गांव के लिए तो अलग बैंक होना चाहिए, मगर कितनी बार DM साहब के यहाँ भी मैंने दरख्वास्त दी, उसका कोई अभी तक उपाय नहीं हुआ। और दूसरी बातें जो हैं वो तो सब प्रधान के तहत जो आती हैं उससे सब हो रहा है, मगर सरकार के तहत जो काम बातें आती हैं वो नहीं हो पा रही, इसलिए कि इतने बड़े गांव की संख्या इतनी होने के बाद भी यहाँ कोई काम ऐसे नहीं हो रहा है जो तरक्की याफ्ता हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि गांव को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए ताकि गाँव में जितने काम पड़े हैं उलट पुलट हो सब ठीक हो जाए, जहाँ तक के गाँव की संख्या के मुताबिक यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहे। और भी देखो आज तक 2.5 साल में होने को है प्रधानी को मकान नहीं आया, एक भी दो मकान भी यहाँ नहीं बने सरकार की तरफ से। अब हमने सबकी सूची बना के भेजी तो अब देखो क्या होता क्या नहीं होता। यूँ तो 100-125 मकानों की सूची बना के भेजी थी और गैस सिलेंडर की भी वो भी नहीं है, और यहाँ तक बैंक की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टाकी की पानी की इतने बड़े गाँव को होनी चाहिए जरूर, मगर वो भी नहीं है। लेकिन बातों पर ध्यान दिया जाए और संगठन जो प्रधानों का हो वो मजबूत हो और उसी हिसाब से गांव की तरक्की होती है। नरपाल सिंह चौहान मेरा नाम है। हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं खुर्शीदा खातून काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और सरकार से मैं बस ये कहना चाहूँगा हमारे यहाँ मकान उकान नहीं आए अभी तक, मकान वकान दिला अभी तक ना कोई गैस सिलेंडर मिला हमारे यहाँ, गैस सिलेंडरों की कोई सूची नहीं आई, तो वो भी मिलने चाहिए।